पुतिन परमाणु बम फोड़ेंगे या डर्टी बम, उनका असली प्लान क्या है? पुतिन ने खुद ही इस बात का ऐलान क्यों कर दिया है कि यूक्रेन डर्टी बम दागने वाला है? इसको डिकोड करने की जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि असल में ये पुतिन का वॉर गेम है, वो ब्लफ खेल रहे हैं। यूक्रेन पर आरोप लगाकर वो खुद ही महाविनाश का बटन दबाने वाले हैं। तो प्रश्न यही है कि क्या सच में पुतिन यही करने वाले हैं? दावा है कि रूस की सीक्रेट वॉर स्ट्रैटेजी लीक हो गई है, जिसमें महायुद्ध का बारूदी खाका है। युद्ध के बारूदी ग्राउंड पर डर्टी बम कौन फोड़ने वाला है, पुतिन या ज़ेलेंस्की? क्या ज़ेलेंस्की की सेना डर्टी बम दागकर यूक्रेन को गुड न्यूज देने वाली है, या फिर पुतिन की पलटन डर्टी बम से यूक्रेन को तबाह करने वाली है? डर्टी बम को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आखिर महाविनाश के दो तरफा ऐलान के पीछे का सच क्या है? Kiev regime wants to obtain nuclear weapons. The Kiev authorities have voiced their intentions publicly, but this has been ignored. And they're also planning to use dirty bombs for provocations, and this poses a threat. Dirty bomb को लेकर ये पुतिन का ऐलान है, वही ऐलान जो उनके रक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं। पुतिन ने घोषणा कर दी कि उन्हें पता है कि डर्टी बम कौन बना रहा है, कहां बना रहा है। इसीलिए उन्होंने कैमरे के सामने आकर आधिकारिक रूप से कह दिया है कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़कर महाविनाश लाने वाला है। Kiev regime wants to obtain nuclear weapons. The Kiev authorities have voiced their intentions publicly, but this has been ignored. And they're also planning to use dirty bombs for provocations, and this poses a threat. सवाल ये है कि आखिर पुतिन ने खुद ये ऐलान क्यों किया? क्या जंग जीतने के लिए ये पुतिन का फॉर्मूला है, या कोई और विनाशक प्लान है? पुतिन ने जैसे ही डर्टी बम को लेकर बयान दिया, वैसे ही दुनिया में अनुमानों और कयासों का बाजार गर्म हो गया। अमेरिका का मानना है कि डर्टी बम का इस्तेमाल यूक्रेन नहीं बल्कि रूस करने वाला है। पुतिन यूक्रेन पर आरोप लगाकर खुद बड़ा हमला करने का आधार तैयार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पुतिन का ब्लफ है। पुतिन का ताजा बयान इस बात का संकेत है कि वो खुद डर्टी बम फोड़ने की योजना तैयार कर चुके हैं। पुतिन के ऐसे बयान युद्ध जीतने के लिए उनकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बाइडेन प्रशासन का दावा है कि क्रेमलिन की तरफ से जारी हर स्टेटमेंट झूठा होता है, और इसके अलावा बाइडेन की तरफ से यह भी कहा गया कि क्रेमलिन जो भी बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक उसके उलट होता है। पुतिन चूंकि ये कह चुके हैं कि यूक्रेन पर आरोप लगा चुके हैं कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है, बहुत मुमकिन है, बहुत संभावनाएं हैं कि पुतिन ही ऐसा करने वाले हों। पुतिन शायद इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि डर्टी बम इस्तेमाल करने का राउंड तैयार हो सके। Упину, щоб дати людям світло. Звичайно, у багатьох містах і районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться, щоб в усіх наших людей був доступ до енергії в умовах, коли її виробництво неможливо в достатньому обсязі. Відновити зруйновані ударами терористів енергооб'єкти. डिफेंस एक्सपर्ट्स पुतिन के बयानों को शक और संदेह की नजर से देख रहे हैं। उसके पीछे उनका तर्क है कि पुतिन ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपनी असली योजना को छिपा सके। इसके जरिए वो जनता के बीच भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये वो डर और भ्रम है जो युद्ध जीतने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अब यहाँ उस डर्टी बम के बारे में जानना भी जरूरी है जिसे लेकर पुतिन बड़ा खेल खेल रहे हैं। डर्टी बम में कई खतरनाक चीजों का मिश्रण होता है। इसमें डायनामाइट, रेडियो एक्टिव पाउडर और बड़े पैलेट्स होते हैं। डर्टी बम फटने से बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के नजदीक वाले इलाके में सब कुछ खत्म हो जाता है। धमाके के बाद दूर दूर तक रेडिएशन फैल जाता है। जो धमाके से बच गए वो रेडिएशन की चपेट में आने से मारे जाते हैं। हवा की रफ्तार तेज हुई तो रेडिएशन दूर तक फैलता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। धमाके के बाद खाने पीने की चीजें संक्रमित हो जाती हैं। दूर दूर तक पानी भी संक्रमित हो जाता है। इसीलिए इसे डर्टी बम कहा जाता है। इससे होने वाला शुरुआती विनाश परंपरागत बम जैसा है।
लेकिन इसके विस्फोट के बाद कई दिनों तक मौत और तबाही का तांडव चलता रहता है। तो यहाँ सवाल यही है कि पुतिन अगर ब्लफ खेल खेल रहे हैं तो उनकी असली युद्ध नीति क्या है, या युद्ध जीतने का ये पुतिन फॉर्मूला है, या इसके बहाने वो एटमी हमले का विनाशक धागा खींच चुके हैं, क्या वो ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने वाले हैं। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि रूस ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा सकता है। इसके बाद पुतिन का प्लान एटमी अटैक का है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का कहना है कि पुतिन की सेना ज़ापोरिज़्या प्लांट में गुप्त और अवैध निर्माण कर रही है। इसके पीछे मकसद क्या है किसी को नहीं मालूम। यूक्रेन की अपील के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग ज़ापोरिज़्या प्लांट की जांच कर रहे हैं। वहीं यूएन की टीम डर्टी बम की हकीकत का पता लगा रही है। शायद इस जांच पड़ताल के बाद ही पुतिन का असली महाविनाशक प्लान सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।